आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं और उनकी गिरफ्तारी को पूरे 4 दिन हो चुके हैं। इसी बीच अब खबरें ये आ रही हैं कि तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी यानी के कविता और केजरीवाल दोनों से ईडी जांच का दायरा आगे बढ़ाएगी। अनुमान ये है कि दोनों से ईडी अलग अलग पूछताछ करेगी और उसके बाद में पूछताछ किए गए बयानों को रिकॉर्ड किया जाएगा। रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं और उनकी गिरफ्तारी को पूरे 4 दिन हो चुके हैं। इसी बीच अब खबरें आ रही हैं कि तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी के कविता और केजरीवाल से ईडी जांच का दायरा आगे बढ़ाएगी। ऐसा अनुमान है कि दोनों से ईडी अलग अलग पूछताछ करेगी और उसके बाद पूछताछ किए गए बयानों को रिकॉर्ड किया जाएगा, उन्हें मिलाया भी जाएगा ताकि इस परिणाम तक पहुंचा जा सके कि दोनों तरफ से दिए गए इनपुट एक जैसे हैं या फिर उनमें कोई बदलाव है, जैसे घोटाले का कुछ न कुछ स्पष्टीकरण हो पाए। राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की गिरफ्त में हैं और लगातार उन्हें आज 4 दिन हो चुके हैं। इस बीच में अगर ईडी द्वारा जांच की बात करें तो ऐसे कई सारे सूत्र बताते हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि अब ईडी के माध्यम से जो जांच पड़ताल का तरीका है उसमें तेलंगाना के जो पूर्व सीएम रह चुके हैं उनकी बेटी के कविता और साथ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सकती है। बता दें कि बीआरएस नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 तारीख तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। इसके साथ ही अदालत में ईडी ने रिमांड के लिए दलील दी कि के कविता का साक्ष्यों और केस के अन्य आरोपियों से आमना सामना करवाना जरूरी है। वहीं कल अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तारी के बाद में कोर्ट में पेश करते हुए ईडी ने दलील दी थी कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटालों के मास्टरमाइंड हैं और के कविता मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के संपर्क में थी। कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक ईडी की रिमांड पर भेजा है। ऐसे में ईडी जो है अब इस तरीके से पूछताछ करेगी जिसमें कि आमने सामने कैमरों की निगरानी में पूछताछ होगी और इस तरीके से कंसंट्रेट होगा जिसमें ये देखा जाएगा मिलान करके कि आखिर अलग अलग अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या स्टेटमेंट है, वहीं पर के कविता की तरफ से क्या वही स्टेटमेंट है जो उस तरफ से दी गई है, उनका मिलान होगा। इस तरीके की जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन इन सभी को देखते हुए ये तय हो रहा है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बहरहाल ईडी ने ये दलील भी दी है कि के कविता के जरिए ही साउथ लॉबी दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर नई शराब नीति में एंट्री की। 100 करोड़ रुपए की इस रिश्वत में से आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए। टोटल टीवी के लिए रिया राय की रिपोर्ट।